हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग ट्विनमोशन का यूज़र इंटरफेस देखेंगे और उसका नेविगेशन का देखेंगे कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे नेविगेट कर सकते हैं अपने मॉडल के थ्रू। तो अगर आपका अगर नेविगेशन का पहले से देखना, अगर शॉर्टकट्स देखने हैं तो आप यहां से हेल्प में जाओगे और यहां पे अगर नेविगेशन में आप क्लिक करते हो तो ये नेविगेशन के कुछ शॉर्टकट्स आ रहे हैं। यहाँ पर माउस का आ रहा है कि राइट क्लिक से आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट प्लस मिडल माउस से ऑर्बिट कर सकते हो, राइट माउस से आप लुक अराउंड देख सकते हो अपने मॉडल पे। और यहाँ पे ये बटन्स हैं, ये एरो कीज़ हैं और ये WSD है, तो इनकी हेल्प से आप अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। और ये ट्विन मोशन का बाय डिफ़ॉल्ट नेविगेशन मोड है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा 3D सॉफ्टवेयर पहले से यूज़ करते हो और आपको उसके नेविगेशन की आदत है तो यहाँ पे आप जैसे आर्चिकेट, सीमा, 4D, 3DS मैक्स, स्केचअप, तो आप इन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग भी अपना जो है ये नेविगेशन मोड जो है वो चेंज कर सकते हो। और उसके अलावा आप यहाँ पे हेल्प पे जाओगे, यहाँ पे शॉर्टकट्स पे ये इसकी PDF है एक शॉर्टकट की, तो यहाँ पे ये मूवमेंट के शॉर्टकट है विंडो और एप्पल दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये टूल्स हैं कि स्केल टूल के लिए आप 5, रोटेट के लिए 5, स्केल के लिए 6, स्पीड के लिए आप 1, 2, 3, और ये मूवमेंट के लिए आप अप एरो की और ये इस तरीके से मिडल माउस का यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ से आपको शॉर्टकट में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अगर आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट यूज़ करने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जब आप ट्विनमोशन ओपन करोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पे फाइल में जाके हमने ये डेमो सीन ओपन किया है, तो इसमें हम मूवमेंट का देखेंगे नेविगेशन। तो यहाँ पे हम जैसे मिडल माउस जब हम प्रेस करके रख रहे हैं तो मिडल माउस हम जब अपनी तरफ ड्रैग कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है, और अगर मिडल माउस हम ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ को मूव कर रहा है। उसके बाद आप मिडल माउस के ही बीच से स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल करके और इस तरीके से स्क्रॉल बैक करके भी थोड़ा सा आगे जूम एंड जूम आउट कर सकते हो। उसके बाद आप जो राइट क्लिक से क्लिक करके रखोगे तो आप इस तरीके से अपने मॉडल के अराउंड देख सकते हो, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखोगे फिर मूव करोगे तो ये इस तरीके से मूव करेगा। यहाँ पे जब आप क्यू प्रेस करते हो तो क्यू से आप ऊपर चले जाते हो और ई से आप नीचे आ जाते हो। यहाँ पे आप इस तरीके से जो है वो अपनी मूवमेंट जो है वो कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये तो एक एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये अभी आई का आइकन दिखाई दे रहा है। तो जब आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके मॉडल में जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने यूज़ किए हैं ये उनका बाय नेम आप इसको देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आ रहा है माउंटेन बाइक करके, आप यहाँ से इसको हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। और ये मूवमेंट किस्मो आता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने मॉडल में सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप जो बीच वाला येलो पोर्शन है इस पर अगर आप क्लिक करके इसको ड्रैग करोगे तो ये अपनी पोजीशन से इस तरीके से मूव होगा, और ये जो नीचे वाला है इस तरीके से आर्क जैसे बनी है यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो इस तरीके से। और ये तीन डायरेक्शन पे, तीन एक्सिस पे आप इसको यहाँ से ऊपर वाले एरो से इस तरीके से इसकी मूवमेंट भी करवा सकते हो। अगर आपको सेलेक्ट करके किसी को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट डिलीट प्रेस करोगे तो ये डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आई आइकन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन टाइम चेंज करने का है कि आप डे टाइम पे जैसे आप चेंज करोगे तो सन भी अपनी डायरेक्शन उसके डे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। यहाँ पे ये व्यूज़ हैं, टॉप व्यू, प्रोस्पेक्टिव व्यू, लेफ्ट राइट व्यू, यहाँ से आप सब देख सकते हो। इसके बाद आता है ये लेफ़्ट एरो, तो लेफ़्ट एरो में जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी ओपन होती है,
तो लाइब्रेरी में ये अलग अलग है, मटेरियल, वेजिटेशन, फर्नीचर्स। तो मटेरियल में आपको सभी टाइप के मटेरियल मिलेंगे, ग्लास, मेटल, कंक्रीट, वुड। तो आपको जैसे यहाँ पे सीन पे कहीं मटेरियल अप्लाई करना है वो, तो आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो उस वाली जगह पे ये मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी, स्केल, रिफ्लेक्शन, कलर, ये सब आप यहाँ पे, जैसे वुड का कलर अगर आपको चेंज करना है, जैसे रेड करना है या हल्का सा ये ब्लूश करना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट है, ये ब्रिक्स हैं, ये ग्राउंड है, जैसे आपको यहाँ पे अगर घास लानी हो तो यहाँ पे घास ला सकते हो। उसके बाद प्लास्टिक है, ये सीलिंग है, ग्रिड्स हैं, टाइल्स हैं, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सभी टाइप के मटेरियल मिल जाते हैं। और इनका टेक्सचर, कलर, ये सब आप बाद में भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इसके बाद आगे हैं ये वेजिटेशन लैंडस्केप, यहाँ पे आपको ट्रीज मिलेंगे, बुशेस मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग सीन पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और इनकी हाइट भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इसके बाद फर्नीचर मिल जाता है आपको, होम का अलग अलग, किचन, लिविंग रूम का, बाथरूम का, ऑफिस का, स्टोरेज मिल जाएगा, कैबिनेट्स मिल जाएंगी, सेल्फ्स मिल जाएंगी, डेकोरेशंस के लिए पेंटिंग्स मिल जाएंगी, ये लैंप्स मिल जाएंगे, सोफ़ा मिल जाएंगे। तो इनको आप अपने मॉडल में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं और बाद में इसका रेंडर भी निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये सिटी का आ गया, यहाँ पे आपको लाइट्स मिलेंगी, स्ट्रीट लाइट्स मिलेंगी, फाउंटेन्स मिलेंगे, साइन बोर्ड्स मिलेंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको ये सब अगर यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं आप अपने सीन पे, जैसे यहाँ पे ये लाइट्स पहले से अप्लाई की हुई हैं इसमें, जैसे आप सेलेक्ट करते हो उस लाइट को, तो इसका एंगल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, लाइट का एंगल इस तरीके से, जैसे और उस वाली लाइट को दिखाता हूँ। जैसे हमने इस वाली लाइट को सिलेक्ट किया तो आप इसका एंगल जैसे कम करोगे, ज़्यादा करोगे, इसकी इंटेंसिटी को ज़्यादा करोगे, क्योंकि ये सारा एक ग्रुप में इन्होंने बनाया हुआ है करके, तो इनका सबकी जो है वो इंटेंसिटी वो एक साथ चेंज हो रही है। ऐसे आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। ये सारी अलग अलग टाइप के लाइट्स हैं, एरिया लाइट है, पॉइंट लाइट है, इसके बाद यहाँ पे करेक्टर आता है। अगर आपको करेक्टर यूज़ करने हैं अपने सीन में तो आप इस तरीके से करेक्टर पर ला के इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, उनको इनका पोज चेंज कर सकते हो, जैसे डांसिंग आ गया, इसके बाद लाइंग आ गया, लेटा हुआ, बोलता हुआ, खड़ा हुआ, बैठा हुआ। तो बैठे हुए के लिए जैसे पीछे अगर आपने चेयर रखी है तो आप उस पर इसको सिटिंग पोजिशन में बिठा सकते हो, या आइडल, इस तरीके से आप इनको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो ह्यूमन कैरेक्टर्स को। अगर ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए तो आप इनको सभी को उठा के इस तरीके से लाओगे तो यहाँ पे ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये एनिमल्स हैं, इनको भी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ये व्हीकल्स है, तो यहाँ पे आप कार्स, बसेस, टू व्हीलर्स, तो इन सबको आप अपने सीन में यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नीचे, तो सबसे पहले ऑप्शन इंपोर्ट का आता है। तो इंपोर्ट पर जैसे आप चाहोगे तो आप अपने फाइल, जो भी ये सारे इसमें फॉर्मेट आ रहा है, कौन कौन सी फाइल्स को ये सपोर्ट करता है, PX, SKP, 3DS, तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर 3D मॉडल पर बनी फाइल्स को यहाँ पर इम्पोर्ट करके उनका रेंडर निकाल सकते हो, एनिमेशंस बना सकते हो, रेंडरिंग। उसके बाद यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट है, जैसे आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, यहाँ पे आप पाथ क्रिएट कर सकते हो ह्यूमंस की, व्हीकल्स की, एनिमेशंस के लिए। तो जो भी आप पाथ क्रिएट करोगे तो ह्यूमन हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट होगी वो उस पाथ को फॉलो करेगा।
इसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे लोकेशन चेंज कर सकते हो, वेदर चेंज कर सकते हो। अभी सनी वेदर है, जैसे आपको क्लाउडी लाना है या आपको बारिश वाला मौसम लाना है या बर्फ़ वाला लाना है, तो आप उस तरीके से इस पे जो वेदर है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन आता है कि अगर आपको इसका जैसे आपको रेंडर चाहिए तो आप यहाँ से इमेज में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको सिंगल इमेज चाहिए तो यहाँ पे ये वाली इमेज है, तो इस वाली इमेज जैसे आप प्लस पे साइन पे क्लिक करोगे तो ये वाली इमेज यहाँ पे क्लिक होकर आ जाएगी जो आपने सामने व्यू रखा होगा। उसके बाद वीडियो में भी सेम ऐसे आपको दो सीन्स पे आप जैसे प्लस प्लस करोगे तो उन दोनों सीन्स के बीच में ये खुद ट्रांजिशन लेकर उसको वीडियो क्रिएट कर देता है। और ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का, जैसे आपने इमेज अभी आपने दो इमेज सेलेक्ट किया तो जैसे आप एम्प्टी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है कि इमेज वन आपको निकालनी है या इमेज टू या दोनों निकालनी है। जैसे हमने इमेज टू में क्लिक किया और हम यहाँ से प्रेस कर देते हैं एक्सपोर्ट, तो ये अभी एक्सपोर्ट हो रहा है तो जो सेकेंड इमेज है। इसी तरीके से आप यहाँ से वीडियो को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, वीडियो को सिलेक्ट करके तो यहाँ से एक्सपोर्ट दबा दोगे। और वीडियो का रेजोल्यूशन आपको फुल HD चाहिए 4K चाहिए तो वो भी आप इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये एक्सपोर्ट होने के बाद ये कुछ ऐसा है फोटो, तो इसमें काफ़ी अच्छी रेंडरिंग निकाल सकते हो आप। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।